ड्रग केस में गिरफ्तार 5 ड्रग पेडलर्स की कोर्ट में पेशी आज। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। गिरफ्तार 5 ड्रग पेडलर्स में सिर्फ राहुल विश्राम का रिया सुशांत ड्रग केस से नाता, बाकी अलग अलग केस में हुए गिरफ्तार। एनजीबी ने राहुल विश्राम को वर्सोवा के घर से किया गिरफ्तार। करीब 4 करोड़ की ड्रग्स और 4.5 लाख कैश बरामद। ड्रग्स केस में एनसीबी ने कसा शिकंजा, आज भी जारी रहेगी छापामारी। स्पेशल टीम का किया गया गठन। ड्रग्स कनेक्शन में जमानत के लिए सैमी मिरांडा और दिवेश सावंत की हाईकोर्ट में अर्जी, 29 सितंबर तक चली सुनवाई। रविवार को खुल सकता है सुशांत की मौत का राज। सीबीआई के साथ एम्स के डॉक्टरों की बैठक में बिस्तर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर होगी चर्चा। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े केस पर फिल्म का ऐलान। टीवी एक्टर और सुशांत के दोस्त जुबैर खान निभाएंगे सुशांत का किरदार। रिया के रोल में होंगी वेब सीरीज से चर्चित श्रेया शुक्ला। जुबैर खान ने सुशांत से ली थी एक्टिंग की टिप्स। सुशांत के साथ जाते थे जिम। इस फिल्म में शक्ति कपूर निभाएंगे सीबीआई ऑफिसर का किरदार। असरानी का किरदार भी अहम। सुशांत की पूर्व मैरिज और दिशा सालियान की मौत के केस में मुंबई पुलिस की जांच पूरी, लेकिन अभी तक नहीं फाइल की क्लोजर रिपोर्ट। दिशा के मंगेतर से पूछताछ संभव। अनुराग कश्यप और कंगना में छुड़ी तकरार। खुद को क्षत्राणी बताने पर कश्यप का ट्वीट, जाओ चीन को टक्कर दो, घर से नजदीक है लेसी। सामने आया निर्माता निर्देशक महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती का वीडियो। ड्रग केस में गिरफ्तार एक आरोपी की मोबाइल से मिली तस्वीरें। रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट का वीडियो बन रहा है तीसरा शख्स। किताब पढ़ते दिख रहे हैं महेश भट्ट, ताली बजा रही रिया। रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट का व्हाट्सएप चैट हुआ वायरल। सुशांत का घर छोड़ने के बाद रिया ने महेश भट्ट को लिखा था, आयशा इज बैक। आज तक के इंटरव्यू में रिया ने महेश भट्ट पर की थी बेबाक बात, कहा था मुझे बेटी की तरह मानते हैं महेश भट्ट। सुशांत और रिया का नया वीडियो आया सामने। सुशांत के वीडियो से कई सुराग मिलने की उम्मीद। जांच एजेंसियां कर रही पड़ताल। वीडियो में दिखाई दे रहा है एक तीसरा शख्स। बोर्ड पर सुशांत ने उस शख्स का नाम लिखा एक। वीडियो में रिया सुशांत और तीसरे शख्स की बातचीत। बैकग्राउंड में गाना बजने की वजह से बातचीत की आवाज साफ नहीं। सामने आई सुशांत के बैंक अकाउंट्स की एक्सक्लूसिव डिटेल्स। 8 जून 2020 से लेकर 13 जून के बीच सुशांत के अकाउंट से हुआ लाखों का ट्रांजैक्शन। सुशांत की मौत के एक दिन पहले 13 जून को सुशांत ने किया 29,000 का पेमेंट। अपने कुछ गेम्स से जुड़े खर्चों के लिए लिए थे पैसे। 13 जून को ही सुशांत ने अपने डॉक्टर को दी थी 10,000 रुपए की कंसल्टेंसी फीस। अकाउंट से 4,500 रुपए एक जगह और ट्रांसफर किए गए। सैंडलवुड ड्रग केस में गिरफ्तार दक्षिण भारतीय अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। सैंडलवुड ड्रग केस में गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री संजना बलरानी का खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। 8 सितंबर को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। सैंडलवुड ड्रग केस में सीसीबी ने 2 और कन्नड़ अभिनेताओं को भेजा समन। कन्नड़ अभिनेता अकुल बालाजी और संतोष कुमार को सुबह 10 बजे किया गया था। सीसीबी ने पूर्व कांग्रेस एमएलए के बेटे युवराज को भी पूछताछ के लिए किया है तलब। सीसीबी ने सैंडलवुड ड्रग केस में 2 और सितारों अभिनेता दिगंत और उनकी अभिनेत्री पत्नी एंड्रुता रे से पूछताछ की। दोनों को का फोन सीज किया गया। कर्नाटक में जाली में ड्रग्स के काले कारोबार का पर्दाफाश। 2 गिरफ्तार। मैजुआना और एलएसडी ड्रग मिली। बेंगलुरु में तरह तरह से हो रही है ड्रग की बिक्री। काले कारोबारियों ने प्रसाद को भी नहीं बख्शा। साईं बाबा के प्रसाद के पैकेट में ब्राउन शुगर बेचता पेडलर गिरफ्तार। जम्मू में 21 सितंबर से खुलेंगे स्कूल। सैनिटाइजेशन का काम लगातार जारी। भुवनेश्वर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के छात्रों की सराहनीय पहल। कोरोना पीड़ित गरीबों के लिए सस्ते वेंटिलेटर का निर्माण किया। ग्रेटर नोएडा में 2 कोरोना पीड़ितों को दोबारा कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में लिया। 3 महीने से भी कम समय में नष्ट हुई एंटीबॉडीज। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 92,000 से ज्यादा नए मामले। 53 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में करीब 1200 लोगों की मौत। कोरोना से अब तक 84,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। देश में 5 राज्यों में कोरोना के कुल मामले का 60%। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हालात से निपटने के लिए बनाई एक्सपर्ट टीम। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सामने 21,000 से ज्यादा नए केस। 11,67,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा नए केस। 3,36,000 के पार पहुंची मरीजों की तादाद। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा नए मामले। 2,34,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में करीब 3,200 नए मामले। 2,15,000 के पार पहुंची तादाद। राजस्थान में भी बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। हर रोज 1,750 से ज्यादा नए मामले।
दिल्ली में 5 अक्टूबर तक नहीं खुलेंगे स्कूल कॉलेज। 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं के बच्चों की कक्षाएं भी नहीं लगेंगी। कृषि बिल पर जारी है विपक्ष का विरोध। प्रधानमंत्री ने किया पलटवार, कहा विपक्षी नहीं चाहते किसानों के जीवन में हो बदलाव। एनडीए सरकार ने ये बदलाव कर दिया है तो ये लोग इसका विरोध करने पर, झूठ फैलाने पर, भ्रम फैलाने पर उतर आए। कृषि बिल को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहा कथनी और करनी में फर्क, इसीलिए किसानों को भरोसा नहीं। कृषि बिल पर एनडीए में मचा घमासान। इस्तीफे के बाद हरसिमरत कौर बादल का आरोप, किसानों का भरोसा जीतने में नाकाम रही सरकार। खिलाफ बोले मजदूर इसके खिलाफ, किसान इसके खिलाफ, तो कहीं ना कहीं उनका भरोसा हम जीतने में नाकाम रहे। किसान बिल पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उठाए सवाल, कहा शंकाओं पर चर्चा के बिना ही पास हुआ विधेयक। कृषि बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव बोले किसानों को उद्योगपतियों के हवाले करने वाला विधेयक। राज्यसभा में किसान बिल का विरोध कर सकती है शिवसेना। आगे की नीति पर संजय राउत और शरद पवार के बीच चर्चा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए संसद के में नया प्रोटोकॉल। सांसदों का आरटीपीसीआर टेस्ट हर 3 दिन में। संसद की कवरेज करने वाले पत्रकारों का हर दिन होगा एंटीजन टेस्ट। हर 3 दिन में आरटीपीसीआर की व्यवस्था। किसानों से जुड़े बिल पर कांग्रेस का विरोध जारी। देहरादून में धरने पर बैठे हरीश रावत। बिहार में धड़ाधड़ हो रहे शिलान्यास और उद्घाटन पर बोले बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन, एनडीए को 39 सीटें जिताने का प्रधानमंत्री मोदी ने दिया रिटर्न गिफ्ट। शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर चीन परस्त होने का आरोप लगाया, कहा चीन के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैं राहुल गांधी। यूपी में 5 साल संविदा पर नौकरी और 50 साल में रिटायर की खबरों पर योगी सरकार का यूटर्न। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, सरकार नहीं कर रही कोई बदलाव। पूर्णिया में बीजेपी विधायक विजय खेमका ने आरजेडी पर जातिवादी राजनीति का आरोप लगाया। आरजेडी विधायक अरुण यादव के सुशांत सिंह राजपूत पर दिए बयान की निंदा की बीजेपी विधायक विजय खेमका का दावा, बिहार में एनडीए जीतेगी 220 से ज्यादा सीटें। कहा नहीं है सीट बंटवारे को लेकर कोई भी खींचतान। यूपी के महाराजगंज में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगाया आपत्तिजनक पोस्ट पर एक आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने डिलीट करवाई पोस्ट। टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती ने भद्दा कमेंट करने वाले टैक्सी ड्राइवर के खिलाफ अलीपुर कोर्ट में दर्ज करवाया मामला, कहा ऐसे लोगों ने ही बदनाम किया शहर का नाम। वेस्ट मिदनापुर में हिंसक झड़प में 2 टीएमसी कार्यकर्ताओं की मौत, कई घायल। पीड़ितों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप, कई घर तहस नहस। रोहतक में किसानों ने किया प्रदर्शन, कृषि सुधार बिल का किया विरोध। सुरजील इमान की अलीगढ़ कोर्ट में पेशी, दिल्ली पुलिस सुरजील को अलीगढ़ लेकर पहुंची थी। एएमयू में देश विरोधी बयानबाजी से जुड़ा है पूरा मामला। नोएडा में सफाई कर्मियों ने किया प्रदर्शन, सरकार और प्रशासन के सामने रखी अपनी मांगे। छिंदवाड़ा में कांग्रेस नेता बंटी पटेल समेत 21 लोगों पर धारा 307 के तहत केस दर्ज। एसडीएम पर काले पोतने का आरोप। यूपी की मैनपुरी में बरपा डेंगू और मलेरिया का कहर, अब तक 7 लोगों की मौत। सीतामढ़ी में अब इलेक्ट्रिक इंजन रेल का परिचालन, प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हरी झंडी दिखाई, जनता में दिखा उत्साह। गोपालगंज में कृषि विभाग के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, बिना मास्क के नजर आए तमाम लोग। अजमेर में न्यूरो सर्जन ने एक मरीज के दिमाग की बातों बातों में की सर्जरी। ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन में मरीज की आवाज जाने का था खतरा, लिहाजा डॉक्टर ने बिना बेहोश किए बात करते करते सर्जरी की। ओमान में हैदराबाद की महिला प्रताड़ना का शिकार, मां ने मोबाइल पर बेटी की तस्वीर देखते हुए सरकार से बेटी की वतन वापसी की लगाई गुहार। शिमोगा में एक रिटायर्ड प्रोफेसर का परिवार चमगादड़ों की सुरक्षा में जुटा, संरक्षण की वजह से तुंगा नदी में किनारे हजारों चमगादड़ों का डेरा। मऊ में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी और 2 सालों के खिलाफ गैर जमानती वारंट, गाजीपुर की गैंगस्टर कोर्ट ने जारी किया वारंट। मुख्तार परिवार पर दिखा योगी सरकार का खौफ, मार्केट में बना एक अवैध कॉम्प्लेक्स को खुद परिवार ने मजदूर लगाकर तोड़वाया। दिल्ली पुलिस ने भी एक केस में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को भेजा नोटिस। यूपी के देवरिया में एसपी नेता और जिला पंचायत अध्यक्ष राम प्रवेश यादव पर गैंगस्टर का केस दर्ज, 16 करोड़ की संपत्ति कुर्क। एसपी नेता राम प्रवेश यादव के 2 मकान, 21 प्लॉट, 1 ईट भट्टा, 3 फॉर्च्यूनर, 1 स्कॉर्पियो, 3 पोल्ट्री फार्म, 1 हेचरी फार्म, कई ट्रैक्टर ट्रॉली समेत तमाम संपत्तियां कुर्क। गाजियाबाद में एक बेटे ने शादी के साथ मिलकर मां की गोली मारकर हत्या की, आरोपी बेटा गिरफ्तार, साथी फरार। यूपी के शाजापुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में धोखाधड़ी, 5 अभियुक्त गिरफ्तार। 200 खातों का
हड़पा पैसा। अरुणाचल प्रदेश में बादल फटने की दो घटनाएं। लेपरांगा जिले में बड़ी तबाही। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले में चट्टान खिसकी, दो लोगों की मौत। इंदौर में पुलिसकर्मी और नगर कर्मी के बीच सरेआम हुई गाली गलौज। वीडियो वायरल होने के बाद दोनों को किया गया सस्पेंड। अमेठी में कक्षा 6 में पढ़ने वाली लड़की से गैंगरेप, आरोपियों की धमकी से खामोश रही लड़की। नोएडा में 4 छात्र ठगों को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज से क्रेडिट कार्ड बनाकर करते थे ठगी। इंदौर पुलिस ने एक छात्र बदमाश को होटल से किया गिरफ्तार, फर्जी आईपीएस अफसर बनकर मुफ्त में होटल में ठहरा था। आगरा में एक वकील पर हमलावरों ने की 4 राउंड फायरिंग, वकील ने दुकान में छिपकर जैसे तैसे बचाई जान। यूपी के चंदौली में शराब के नशे में दोस्तों ने की युवक की हत्या, शव बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार। दूसरी तिमाही में एडवांस टैक्स की आमदनी 25.5% की गिरावट, कुल 1.59 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं में भारत 115 देशों से पीछे, वर्ल्ड बैंक ने जारी की रैंकिंग। 55 कनेक्टेड फीचर्स और IMT टेक्नोलॉजी से लैस किया सोनेट लॉन्च, विदारा ब्रीजा और वेन्यू से होगा मुकाबला। रूस में आम लोगों तक पहुंची दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन, 21 दिनों में दिए जाएंगे 2 डोज, अक्टूबर तक सामने आ जाएंगे नतीजे। दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, 3 करोड़ 3 लाख के पार पहुंची मरीजों की संख्या, 9,50,000 से ज्यादा की मौत। कोरोना काल में आईपीएल T20 का आगाज UAE में आज, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में होगा मुकाबला। आज शाम 7:30 बजे होगी रोहित और धोनी की टीम की टक्कर। मुंबई इंडियंस के कप्तान है रोहित शर्मा और चेन्नई सुपर किंग्स को लीड कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। मुंबई इंडियंस में रोहित के साथ ही किरण फुलाड, हार्दिक पांड्या, सौरभ तिवारी और सूर्य कुमार यादव जैसे धाकड़ बल्लेबाज। चेन्नई की टीम में कप्तान धोनी के साथ ही अंबाती रायडू, चिप्लिसिस, शेन वॉटसन, ब्रावो सभी लोग मौजूद। 4 बार की आईपीएल चैंपियन रही है मुंबई इंडियंस, जबकि 3 बार चेन्नई ने जीता है आईपीएल का खिताब। आज कांटे का मुकाबला। आईपीएल में T20 में इस बार खेले जाएंगे करीब 60 मुकाबले। यूएई पहुंच चुके हैं सभी टीमों के खिलाड़ी, कुछ हफ्ते रखे गए क्वारंटीन, बाद में अभ्यास सत्र में हिस्सा लेंगे। आईपीएल में कल दिल्ली कैपिटल और किंग्स 11 का होगा मुकाबला। कोरोना काल में हो रहा है आईपीएल सीजन, 13 के मुकाबले में स्टेडियम नहीं रहेगा दर्शकों से भरा हुआ, पहली बार बंद स्टेडियम में खेले जाएंगे मुकाबले। अबुधाबी में शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा आज आईपीएल का मुकाबला, शाम 7 बजे होगा टॉस। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।